खबर खरगोन से है, जहां शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर लगने वाले रविवार ये बाइक बाजार पर यातायात विभाग और नगर पालिका अमले ने सख्ती दिखाई। थाना प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार के नेतृत्व में यातायात पुलिस कर्मियों ने यातायात में बाधा बन रहे ऑटो डील दुकानदारों को सड़क पर वाहन लगाने पर फटकार लगाते हुए चालानी कार्यवाही की। बाइकों के दस्तावेज भी मांगे, जो मौके पर डील संचालक नहीं दिखा सके। वहीं पुलिस ने बिना दस्तावेज पाए गए वाहनों को अभिरक्षा में लेकर यातायात थाने पर खड़ा किया। कार्यवाही के दौरान चेतावनी दी कि यदि सड़क पर वाहन लगाएं तो वाहन जब्ती की कार्यवाही होगी। थाना प्रभारी के मुताबिक नो पार्किंग में खड़े 10 वाहनों के चालान बनाए, 4 वाहनों के दस्तावेज बुलवाए गए। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। विराट 24 के लिए खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। ये कई बार इनको समझाइश पहले भी दी जा चुकी है और बार बार समझाने के बाद भी जब ये गाड़ी अंदर नहीं रख रहे हैं, ऑटो डील वाले रोड पे इन्होंने पूरी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, तो आज फिर डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां थाने भी भेजी हैं और चालानी कार्रवाई स्पॉट पे भी कर रहे हैं। कितनी दुकानों पर जाँच की सर? अभी 4-5 दुकानों पर जाँच कर ली है। लगभग इस कार्रवाई को देख के कई दुकान वालों ने अपनी गाड़ियाँ हटा ली है, लेकिन भविष्य में भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। माँ बता देना यार, मनी हो तो ध्यान रखना। चार गाड़ी के कागज चार गाड़ी हो गई सर।